विजय सर नमस्कार। नमस्कार गणेश जी। लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सादर वंदन। सर देखिए, सहारा की तरफ से कोई मैनेजमेंट सामने नहीं आ रहा है। दशहरा भी चला गया, दीपावली भी चली गई और पुण्यतिथि भी चली गई। अभी इन्होंने नया सबूता छोड़ा है कि स्थापना दिवस पर बहुत कुछ होने जा रहा है और कई महानुभाव ये खबर चलाते भी दिखे सोशल मीडिया पर। गणेश जी, ये बहुत मतलब आपने जो अभी कहा कि बहुत कुछ होने वाला है, ये मैंने हर बार सुना था कि दशहरे पे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। फिर हुआ कि दिवाली पे कुछ बड़ा होने वाला है, फिर जिस दिन पुण्यतिथि थी उस दिन कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन उस दिन मूर्तियां लग गई और शायद कुछ फंक्शन भी हुआ। और अब आप बता रहे हो कि वो लोग ये चर्चा फैला रहे हैं कि अब स्थापना दिवस वाले दिन बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ये क्या बहुत कुछ बड़ा ये स्पेसिफाई नहीं करते कि सिर्फ इतना ही बोल के रह जाते हैं? अब देखिए विजय सर, बड़ा होने में ये रूमर फैला रहे हैं, ये लोग रूमर फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर कि साहब जॉन स्तर पर और रीजन स्तर पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। तो इनको ये ज्ञात होना चाहिए कि रीजन और जॉन का जो काम है वो आज से नहीं, शुरू से वो ही काम था जो आज वो कर रहे हैं, यानी डिफिशियंसी को हटाने का काम कर रहे हैं। तो डिफिशियंसी हटाने के लिए भी कहीं ना कहीं निवेशकर्ताओं को मजबूरी बस, चाहे वो सैकड़ों किलोमीटर दूर हो कार्यालय, लेकिन वहां अपना खर्चे से जाना ही होगा तभी वो डिफिशियंसी हटेगी। तो ऐसा ये लोग अगर प्रयास करना ही है तो ऐसा क्यों नहीं करते कि लोकल स्तर पर जो इनकी एफसीआर थी, इनकी ब्रांचेस थी, इनके सेक्टर ब्रांचेस थी, और वहां से डिफिशियंसी दूर करें और स्वतः दूर करें। क्यों जमाकर्ताओं के भरोसे आप बैठे हैं? आज पैसा लग रहा है जमाकर्ताओं का लग रहा है। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा विजय सर आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों का लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है इस डिफिशियंसी के चक्कर में, लेकिन भुगतान आज भी नील बटा नील है सर। अगर माना जाए तो 1% भुगतान पोर्टल से हुआ है, तो ये आखिर चाहते क्या है? क्या इन लोगों ने पूरी तरह से केंद्र सरकार के समक्ष अगर समर्पण कर भी लिया हो तो ये बात भी सामने आपको कहे कि साहब अब हमसे कुछ नहीं होगा, जो भी करना है निवेशकर्ता को भी करना है, तो कम से कम जागरूक निवेशकर्ता आगे आकर अपना कार्य जो डिफिशियंसी दूर कर रहा हो या फिर अन्य जो भी गतिविधियां हो उसको संचालित करे, तो इतना तो सामने आकर बयान दे ही सकते हैं ना सर। ऐसा तो कोई निवेशकर्ता इनके दुश्मन है नहीं, कार्यकर्ता को दुश्मन है नहीं, जो सामने आकर एक बयान जारी करने में इनका क्या जा रहा है? तो मुझे तो यही लगता है सर कि सहारा मैनेजमेंट ने पूरी तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और पूरी तरह से केंद्र सरकार के समक्ष इन्होंने समर्पण कर दिया है कि साहब हमसे कुछ नहीं होगा, जो करना है आप करिए, कोर्ट करेगा तो कोर्ट करेगा और केंद्र सरकार करेगी तो केंद्र सरकार करेगी। और इनका फायदा ही फायदा है सर, जब ब्याज इनको देना नहीं है, ज्वाइनिंग पॉइंट इनको की गणना करवानी नहीं है, अन्य योजनाएं जो सहारा ग्रुप में इतनी कंपनियां संचालित होती थी जिसमें निवेश लिया जाता था, उन सभी कंपनियों का भुगतान जब इनको करना नहीं है तो मैं समझता हूं कि ये सामने आकर क्यों बताए सर। जी विजय सर, इनका तो काम चल रहा है ना गणेश जी? हाँ बोलिए। देखिए सर, देखिए सर, मैं बताऊं कि इन्होंने 14 नवंबर को जो उन्होंने पुण्यतिथि मनाई, लगभग मुझे एक आंकलन में कर रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में पेपर में फर्स्ट पेज पर छपा 1,000 करोड़ रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिया। और
इन्होंने भोज किया, उसे पैसा बर्बाद किया, और हमारे साथी लोग वहां सपना राय से मिले, पैर छू रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि कितने लोग पीड़ित थे, कितने लोग देश के निवेशक अपनी लीला समाप्त कर चुके, उनके लिए पुण्यतिथि मनाने के लिए या उनके लिए कोई एक सांत्वना देने के लिए कोई आगे नहीं आया। ये देश के निवेशकों को जागना होगा और देश के निवेशकों को अब समझना होगा कि सहारा के प्रबंधन के लोग पैसा देने की नियत बिल्कुल नहीं है। जो गणेश जी भाई साहब अभी बोल रहे थे वो बिल्कुल एकदम सही कह रहे थे। अब निवेशकों को आगे आना होगा और उग्र होकर के संगठन के साथ अपना रास्ता भुगतान का निकालना वो तभी संभव हो पाएगा, क्योंकि जो गेंद की तले फेंका जा रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी कंपनी, कभी सीआरसी, कभी कुछ, जबकि ऐसा किसी भी कोर्ट का आदेश नहीं है कि आप भुगतान न करें। भुगतान ये कर सकते हैं। चार कंपनियों के अलावा पोर्टल तो किसी का बना नहीं है। कॉमर्शियल के ग्राहक कहां जाएंगे, क्यू शॉप के ग्राहक कहां जाएंगे, रियल एस्टेट के ग्राहक कहां जाएंगे? तो ये पैसा देने की इनकी नियत नहीं है। मैं इसीलिए सब देशवासियों से अपील करता हूं, जितने भी लोग हैं जिनका पैसा फंसा है, अब अपनी आस छोड़ दें, सिवाय आंदोलन के अलावा और संगठन के साथ जुड़ करके ही एक रास्ता निकल सकता है, अन्यथा रास्ता मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी नियत नहीं है। दबाव बनेगा और लोग इकट्ठे होकर के जब अपनी भुगतान की मांग करेंगे तभी केंद्र की सरकार भी जागेगी और इनके अंदर भी खलबली मच जाएगी, तभी कुछ रास्ता निकल सकता है। ये मेरा सभी से आग्रह और अनुरोध है। धन्यवाद। धन्यवाद। दिनेश कुमार दुबे जी भी हमारे साथ में लाइव में जुड़े हैं। दिनेश जी, आपका क्या विचार है इस बारे में, आप अपने विचार प्रकट करें। सर अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। विजय जी नमस्कार, सतीश जी, चौधरी जी, सभी लोगों को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं पहली बार आपके लाइव में जुड़ा हूं। जी मैं MIS में बहुत पैसा लगा चुका हूं और MIS का भुगतान का कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, और क्योंकि मेरा 5 लाख से ज्यादा है इसलिए अभी मैं डिफिशियंसी भी क्लियर नहीं कर पा रहा हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि CRCS सरकार सभी मिले हुए हैं सारा, और भुगतान करना नहीं चाह रहा है। सीधी बात ये जी, मैं एक एक करके सतीश जी और गणेश जी दोनों के पास आ रहा हूँ। पहले मैं गणेश जी के पास आ रहा हूँ। गणेश जी, इनका MIS जुड़ गया हूं। जी जी, मैंने इनको डॉक्यूमेंट भी भेज दिए हैं PIL में लगाने के लिए। अच्छा, मेरे जो भी रास्ता दिख रहा है वो उस पे मैं चलता जा रहा हूँ, आगे देखिए और क्या होता है। जी, इनका एक एक करके आप दोनों जवाब दीजिए, पहले गणेश जी फिर सतीश जी। ठीक है गणेश जी, MIS का इनका इनका इश्यू है और वो इनको अब दिक्कत लग रही है, पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसमें, तो ये बताएं। विजय सर, अभी दुबे साहब का सवाल था। एक मिनट गणेश जी, सुरेश कुमार सिंह जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कमेंट में किसी के बारे में जो लिख रहे हैं उससे अच्छा आप चैनल क्या लिंक है क्यूबाइव का,